आपने दोनों चीज़ों का अलग अलग जिक्र किया, जहाँ तक तहयात नहीं उसने एक्सटेंशन का जिक्र किया है, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इनका साथ देंगे इस पर्पज़ के लिए कि वो आपको एक्सटेंशन देंगे, वो तो हम भी दे देंगे। ये वैसे इस तनाजुर में हुआ था, अदरवाइज़ ही वॉज नॉट इन फेवर की किसी को भी एक्सटेंशन दी जाए। और जहाँ तक उनके कहने का मतलब है कि उन पर इल्ज़ाम ठहराया है, तो वो एक मरतबा नहीं कई मरतबा खान साहब ने जिक्र किया है। एंड और अभी खान साहब ने हमेशा ये कहा है, आज आपके सामने उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया, आईएसआई का नाम लिया, तो ये किस तरह आप कह रहे हैं कि देखिए वो फौज शख्सियत का एक नाम लेना अलग बात है और इंस्टीट्यूशंस का फौज का नाम लेना एक अलग बात है। जहाँ तक जिन शख्सियत का उन्होंने नाम लिया वो इस तनाजुर में उन्होंने लिया कि यही वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनके पावर और अख्तियार के नीचे ही बीबी वहाँ है। तो इसलिए अगर एक मरीज ये कह रहा है, एक जेल में रहने वाला एक औरत आपको कह रही है, वो फर्स्ट लेडी आपको ये कह रही है कि उसको ये शक नहीं, उसको यकीन है कि उसको जहर दिया गया है, और आप उसकी एग्जामिनेशन नहीं करवा रहे। आज खान साहब ने खुद कहा है, चार महीनों से हमारी दरख्वास्त है कि खान साहब की डॉक्टर आएंगे, उनकी मेडिकल चेकअप कराओ, वो चार महीनों से वो डॉक्टर को नहीं आने दिया जा रहा। तो इस सरकमस्टांसिस में ये कहना बिल्कुल बजाय कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और हम हक रखते हैं कि जो इस सेहत को नुकसान हो जाता है तो वो लोग रिस्पांसिबल होंगे।